आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ पार्षद प्रत्याशी एवं जो है रमेश पांडे जी हैं, जो कि सेना से रिटायर्ड भी हैं। आइए जानते हैं, जैसा कि कई उसमें इन्होंने प्रतिभाग भी लड़ाइयों में किया है, इन्हीं की जवानी जानते हैं और आज इन्होंने जो कि झंडा रोहण वगैरह किया है, जानते हैं किस प्रकार का कार्यक्रम था। सर, आज जैसा कि कार्यक्रम हुआ झंडा रोहण का, किस प्रकार का कार्यक्रम था? सबसे पहले अपने क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज जो है एक छोटा सा ध्वजारोहण इस विभव खंडो बाल विहार पार्क में मैंने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें करीब 50 परिवार ने भाग लिया जी। और कुछ परिवार ने कहा कि आपने बुलाया है, लेकिन उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नेक्स्ट से हम जो भी कार्यक्रम करेंगे सबको बुलाएंगे जी। सर, जैसा कि क्षेत्र में आप चुनाव प्रत्याशी भी हैं, तो किस प्रकार का, अगर आपको मौका मिलेगा, तो क्या इस अवसर पर विशेष विशेष कार्यक्रम आपके क्षेत्र में आयोजित किए जाएंगे? जी, जैसे हमारा चुनाव जीता तो सबसे पहले सबका मिलन होगा, सबसे कि एक दूसरे का लोग जाने पहचाने जी। और सेकंड थिंग, जो भी हमारा घोषणा पत्र है जो हमने निर्धारित किया है घोषणा पत्र में, वो काम 1 साल के अंदर हम लोग टारगेट को पूरा करेंगे जी। सर, जैसा कि कई लड़ाइयां आपने लड़ी हैं, किस किस प्रकार की लड़ाइयों में आप सम्मिलित रहे? मैं 97 में सेना में ज्वाइन किया था जी। और 99 कारगिल युद्ध में भी भाग लिया जी। और उसके बाद जो है ताज इवेंट में भी हुआ था, ताज हमला, उसमें भी हमने एनएसजी होते हुए भाग लिया था जी। सन 2014 30 नवंबर को रिटायर होकर के जी, फिर मैं यहाँ पर अपना ऑर्गेनाइजेशन आरके सिक्योरिटी खोला और उसको चलाना। सर, जैसा कि सेना में जंग के दौरान आपको कहीं बताया था कि चोट भी लगी थी, चोट भी आई थी, तो देश के नाम क्या संदेश देना चाहिए? सेना में अगर हम भर्ती हुए हैं तो सेना में तो चोट आनी आती ही है। कारगिल युद्ध में जैसे मैं गया था, तो मैं अभी ज्वाइन ही हुआ था और ट्रेनिंग करके गया था, तो हमको ड्यूटी सर्वप्रथम वहीं मिली थी कारगिल में जी। और उसमें जो है हमको 6 गोली लगी थी जी, इसमें 5 जो है घुटने में लगी थी, 1 जो है सर में लगी थी जी। और उसका ऑपरेशन हुआ, तत्काल बचे और सभी देशवासियों का आशीर्वाद रहा कि हम जीवित बचे। सर, मैंने जैसा कि आपके क्षेत्र में सर्वे किया है और उस सर्वे में पाया है कि क्षेत्र की जनता आपको काफी पसंद कर रही, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आप मैदान में आएंगे या निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में? नहीं, मैं निर्दलीय ही आऊंगा, क्योंकि निर्दलीय आने से एक रहता है, देखिए सभासद का चुनाव है जी, जनप्रतिनिधि सभासद जो लोकल चुनाव है जी, जी। ना यहाँ हमको CM चुनना है ना PM चुनना है जी, जी। हमको अपने ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना है जो हमारे एक फोन पर एक कॉल पर हर जगह पहुंच सके और उनकी जो भी समस्या है उसका निस्तारण कर सके, हमको ऐसे प्रत्याशी चाहिए। नमस्कार, ये हमारे साथ बने हुए थे रमेश पांडे जी, नमस्कार। मैं रमेश कुमार पांडे, एक्स सर्विस मैन, सेना से रिटायर। मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों, देशवासियों, जो वार्ड नंबर 66 चिन्हट द्वितीय के सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।